आज देख लेते हैं साइटेशन स्टाइल मैनुअल, है ना। ये तीन टाइप के होते हैं। पहला है APA मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और दूसरा है MLA मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, उसके बाद है शिकागो स्टाइल। तो तीन स्टाइल के होते हैं ये साइटेशन स्टाइल मैनुअल, ठीक है। ये एकदम मतलब थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस इनमें होता है, बाकी सब सिमिलर होता है जैसा भी लिखा है। बस कुछ कुछ पॉइंट्स कहीं कहीं बस ही डिफरेंस होता है। तो देख लेते हैं, पहला APA दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, है ना। ये यूज़ कहाँ होता है, एजुकेशन के फील्ड में होता है, साइकोलॉजी एंड साइंस फेयर रिसर्च के फील्ड में होता है ना। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट देखते हैं इसका। लास्ट नेम पहले रहेगा, लास्ट नेम मतलब जो सरनेम होता है ना नाम के पीछे, वो पहले रहेगा, फिर रहेगा कॉमा, देन फर्स्ट नेम, फिर फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में रहेगा ईयर। तो ईयर कौन सा रहेगा, तो पब्लिकेशन दैट, है ना, सर्च ऑफ मटेरियल मतलब जो बुक्स की पब्लिकेशन डेट रहेगी ना वो रहेगी, बुक्स की पब्लिकेशन ईयर रहेगी वो यहाँ रहेगी, है ना, इस ब्रैकेट के अंदर। देन फुल स्टॉप, देन टाइटल, टाइटल में चैप्टर नेम, है ना, या फिर साइटेड डॉक्यूमेंट मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट और उसका हेडिंग होता है ना टाइटल, वो आएगा। देन कोलन, देन सब टाइटल, जैसे हेडिंग टाइटल बड़ा सा दिया रहता है, उसके बाद नीचे छोटा सा कुछ दिया रहता है लाइन में, कुछ मतलब छोटा सा सब टाइटल दिया रहता है, वो यहाँ लिखेंगे। देन फुल स्टॉप, देन नेम ऑफ सोर्स, है ना, नेम ऑफ सोर्स में आ जाएगा बुक्स नेम, है ना, ये जर्नल्स, जर्नल नेम या पब्लिशर नेम मतलब ये नेम ऑफ सोर्स में। देन आ जाएगा स्लैश पब्लिकेशन कॉमा एडिशन स्लैश सीरीज स्लैश वॉल्यूम देन कॉमा। तो ये एडिशन सीरीज वॉल्यूम, है ना, तो इन सब के बदले, इन सब के बदले अगर ये सब नहीं दिया है और इसके बदले वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम दिया है और इशू नंबर दिया है ना, तो इन सब के जगह पे ये वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम कौन सा है, फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर्थ है, जितना भी है, और सी इशू नंबर कौन सा है ना, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब यहाँ दिया है 4 और इशू नंबर दिया है 166, है ना, तो ब्रैकेट में 166 ऐसे हो गया ये। फिर उसके बाद आएगा लास्ट में पेजेस, पेजेस देन फुल स्टॉप, है ना। ये हो गया है APA फॉर्मेट, APA साइटेशन मैनुअल स्टाइल, है ना। तो दूसरा देख लेते हैं MLA मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, है ना। तो ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है ये ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में, ये MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में यूज़ होता है। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, लास्ट नेम इसमें भी पहला रहेगा जैसे इसमें था लास्ट नेम, देन कॉमा रहेगा, कॉमा रहेगा, देन फर्स्ट नेम रहेगा, फर्स्ट नेम रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, है ना। फिर देख लेते हैं यहाँ, यहाँ ईयर वगैरह दिया है, नहीं दिया है ना, लेकिन यहाँ ईयर दिया है विद ब्रैकेट, है ना, तो ये छोटा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है। देन ये हाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइटल कोलन सब टाइटल देन इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा वगैरह नहीं दिया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है। देन नेम ऑफ सोर्स, है ना, नेम ऑफ सोर्स मतलब ये बुक है, मतलब बुक है कि जर्नल है कि आर्टिकल है या कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन स्लैश पब्लिकेशन, देन यहाँ दो लेटर का गेप छोड़ेंगे डैश करके, देन एडिशन, है ना, यहाँ यहाँ नहीं छोड़ते थे, है ना, और यहाँ छोड़ रहे हैं, एडिशन स्लैश वॉल्यूम सीरीज, एडिशन वॉल्यूम स्लैश सीरीज, इसमें फुल स्टॉप, देन ब्रैकेट में ईयर कॉलन, है ना, यहाँ पास ईयर नहीं दिया था, सीधा लास्ट दे दिया था पेज, है ना, यहाँ दिया है ईयर और कॉलन। फिर इसके बदले यहाँ भी, इन तीनों के बदले यहाँ भी वॉल्यूम और इशू नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कॉलन के बाद यहाँ दिया है पेजेस, देन फुल स्टॉप, टाइप ऑफ सोर्स, टाइप ऑफ सोर्स में क्या है कि क्या आएगा, जैसे CD हो गया, DVD हो गया, प्रिंटेड फॉर्म है कि ई फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, वो टाइप ऑफ सोर्स में आ जाएगा, है ना। देख लेते हैं लास्ट शिकागो साइटेशन स्टाइल, है ना, मैनुअल स्टाइल। तो इस यूज्ड इन बिजनेस स्ट्रीम एंड ये फाइन आर्ट, है ना, फाइन आर्ट और डांसिंग, इन सब के फील्ड में ये शिकागो वाला फॉर्मेट मैनुअल स्टाइल यूज़ होता है ना। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, इसमें भी लास्ट नेम फर्स्ट रहेगा, देन कॉमा, जैसे सब में है लास्ट नेम देन कॉमा, लास्ट नेम देन कॉमा, इसमें भी लास्ट नेम देन कॉमा, देन फर्स्ट नेम, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, इसमें भी है ना। उसके बाद देख लेते हैं ईयर, ईयर यहाँ नहीं दिया था ना, जो कि पहले भी दिया था APA, और यहाँ ब्रैकेट पे ईयर दिया था, यहाँ ब्रैकेट नहीं है लेकिन ईयर दिया है, ठीक है। देन फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दिया है, यहाँ नहीं दिया था ना, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा 70 रहेगा। टाइटल कोलन कोलन, है ना, सब टाइटल इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप, बहुत हो गया। नेम ऑफ सोर्स, सब में जैसा है वैसी नेम ऑफ सोर्स, है ना। देन स्लैश पब्लिकेशन, उसके बाद दो लेटर का गेप छोड़ेंगे डैश करके, देन एडिशन, यहाँ भी छोड़े थे ना लेकिन यहाँ नहीं छोड़े थे, यहाँ छोटा था, यहाँ भी छोटा है, लेकिन यहाँ नहीं छोटेगा, है ना। ये
देखिए यहाँ एडिशन स्लैश सीरीज स्लैश वॉल्यूम, और इन सब के बदले अगर वॉल्यूम और इश्यू नंबर दिया है तो वॉल्यूम और इश्यू नंबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इश्यू नंबर को, यह इश्यू नंबर ब्रैकेट में नहीं है, है ना, बाकी सब में यहाँ ब्रैकेट में लिखते थे, यहाँ भी ब्रैकेट में लिखते थे, लेकिन यहाँ वॉल्यूम है और इश्यू नंबर डायरेक्ट लिख देते हैं बिना ब्रैकेट के, ठीक है। देन कोलन, देन पेजेस, फुल स्टॉप, टाइप ऑफ सोर्स, है ना, तो सी डी या डी वी डी या प्रिंट फॉर्मेट में जो भी है उसको यहाँ लिखते हैं। तो ये रहा साइटेशन स्टाइल मैनुअल, तीन टाइप के होते हैं, ए पी ए, एम एल ए, देन साइटेशन, सॉरी शिकागो स्टाइल, ये साइटेशन मैनुअल स्टाइल हो गया, तीन टाइप का, है ना। देख रहे हैं हमारी वीडियो तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का दबाइए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।